एक बहुत ही पुरानी और मशहूर कविता हरे गास की रोटी। जी हाँ, हरे गास की रोटी बन बिलावड़ो ले भाग्यो। जब महाराणा प्रताप अपना जीवन जंगलों में व्यतीत कर रहे थे और प्रताप प्रतिज्ञा का पालन कर रहे थे, उस समय महाराणा प्रताप को याद आते हैं वो दिन जब उन्होंने हल्दीघाटी का युद्ध लड़ा था। एक ऐसी कविता जिसे सोचकर महाराणा प्रताप की आंखों से अश्रु बह उठे थे। जी हाँ, जब महाराणा प्रताप जंगलों में रहकर अपनी प्रताप प्रतिज्ञा का पालन कर रहे थे और उनके मन में एक जो कल्पना होती है वो कल्पना थी एक बन बिलाव जो अमन सिंह जी के हाथ से रोटी का टुकड़ा छीन कर ले जाता है और महाराणा प्रताप मन में विचार करते हैं, जब याद करूं हल्दी घाटी नैना में रगत उतर आवे, सुख दुख रो साथी चेतकड़ो, मीठी सी अलख जगा जावे। जी हाँ, ये वो समय है जब महाराणा प्रताप जंगलों में बैठकर अपनी प्रताप प्रतिज्ञा का पालन कर रहे थे। एक बन मिलाव आता है और अमर सिंह के हाथों से रोटी का टुकड़ा छीन कर ले जाता है। उस समय महाराणा प्रताप अपनी आंखों में एक कल्पना जो घटना उनके साथ घटी थी उसे सोचकर आंखों से आंसू बहाते हैं। अब जहां हल्दीघाटी की बात आई है तो हम हल्दीघाटी की ओर प्रस्थान करते हैं। मैं हूं मुकुंद आपके साथ न्यूज फॉर इंडिया से और आज आपको लेकर चलता हूं राजस्थान के हल्दीघाटी में। जी हां, हल्दीघाटी युद्ध 18 जून 1576 को महाराणा प्रताप की भील सेना और मुगल सेना नायक अकबर की सेना जिसका नेतृत्व कर रहे थे राजा मान सिंह का पड़ाव अपनी सेना के साथ शाहीबाग के अंदर था। हल्दीघाटी से 1 किलोमीटर नीचे शाहीबाग जहां मुगल सेना का पड़ाव था, वहीं महाराणा प्रताप की भील सेना हल्दीघाटी के एक सकड़े दर्रे में अपने तीरों और भालों के साथ मुगल सेना का इंतजार कर रहे। जब मुगल सेना हल्दीघाटी की ओर बढ़ी और दर्रे के अंदर प्रवेश करने का प्रयास किया तो भील सेना ने उनके ऊपर तीरों भालों बर्छों पत्थरों की बौछार कर दी, जिससे मुगल सेना वहां से भागती हुई पीछे की ओर खिसकी और वहीं से 3 किलोमीटर पीछे खमलोर गांव में स्थित एक खुले मैदान में पहुंच गई। खुला मैदान पाकर मुगल सेना अपनी पूरी तैयारी और दमखम के साथ युद्ध करने लगी। वही मेवाड़ की ओर से महाराणा प्रताप के सेनापति हकीम खान सुर के नेतृत्व में भील आदिवासी राजपूत और यहाँ तक कि सभी जाति सभी वर्ग और सभी समुदाय के लोग मुगलों से लोहा लेने में लग गए। इतना भीषण युद्ध जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वहीं पर हम एक नजारा देखने को मिलता है जहां महाराणा प्रताप अपने घोड़े चेतक को एंट लगाते हैं। चेतक एंट का इशारा पाते ही हाथी पर सवार मान सिंह की ओर बढ़ता है, हाथी के सर पर अपने दोनों पांव रखकर ऊपर चढ़ता है। महाराणा प्रताप भाले से भीषण प्रहार करते हैं लेकिन मान सिंह ओदे में दुबक जाता है और वो भाला उस हाथी के सारथी को लग जाता है। चेतक वापस जब नीचे उतरता है तो हाथी की सूंड में लगी तलवार से उसका पैर कट जाता है। स्थिति को भाप कर महाराणा प्रताप के साथी झालामान जो हूबहू महाराणा प्रताप की तरह दिखते थे वो स्थिति को भाप लेते हैं और महाराणा प्रताप से निवेदन करके कि अगर आप नहीं रहे तो मेवाड़ का क्या होगा, हमारे जो वंशज है उनका क्या होगा, मेवाड़ को मुक्त कौन कराएगा। इस तरह से महाराणा प्रताप को प्रेरित कर उनका राजमुकुट अपने सर रख लेते हैं और मुगलों से लोहा लेने में डट जाते हैं। वही चेतक महाराणा प्रताप को अपनी पीठ पर बिठाकर वहां से सकड़े रास्तों पहाड़ों और जंगलों से गुजरता हुआ 6 किलोमीटर ले जाता है। वहीं पर एक 22 फीट का नाला जिसे लांग कर वो अपने देह त्याग देता है। ये था स्वामी भक्त चेतक जिसने अपने स्वामी की रक्षा के लिए 3 पैर पर सकड़े कटीले पथरीले मार्गों से होकर एक 22 फीट के बरसाती नाले को लांग कर अपने स्वामी की जान बचाई। चेतक वहीं शहीद हो जाता है और वहीं पर उसकी समाधि बन जाती है। महाराणा प्रताप उस पीड़ा से उस बहुत आहत हो जाते हैं। आहत होकर वो एक प्रतिज्ञा लेते हैं कि जब तक मैं पूरे मेवाड़ को
मुगलों से मुक्त नहीं करा देता, तब तक मैं जंगलों में निवास करूंगा, महलों को छोड़ दूंगा, पत्तों में भोजन करूंगा, सोने और चांदी की थाल में नहीं, घास की रोटी खा लूंगा पर अनाज नहीं। इस प्रकार महाराणा प्रताप आजीवन अपनी प्रतिज्ञा निभाते हैं। वही हम देखते हैं कि जहां ये युद्ध हो रहा था खुले मैदान में, वहां पर भारी रक्तपात के कारण चारों ओर लाशें ही लाशें बिछ चुकी थी। उस युद्ध में दोनों पक्षों के करीबन 18,000 सिपाही मारे जाते हैं। तंवर परिवार का पूरा परिवार वहां समाप्त हो जाता है। उसी युद्ध में महाराणा प्रताप अपने कई साथियों, कई सामंतों और कई योद्धाओं को खो देते हैं। उस युद्ध के बाद वहां पर भीषण बरसात होती है। बरसात और वो रक्त मिलकर एक तलाई का रूप ले लेते हैं, जिसे इतिहासकार रक्त तलाई का नाम देते हैं। तो ये था आपके सामने हल्दीघाटी का एक छोटा सा चित्र, जिसे देखने के लिए आज कई लोग दूर दूर से हल्दीघाटी आते हैं। हल्दीघाटी का दर्रा, जिसका नाम हल्दीघाटी है, वहाँ की मिट्टी बिल्कुल हल्दी के कलर की है। उस हल्दी की मिट्टी से लोग बाग अपना तिलक करते हैं और उस मिट्टी को अपने घरों में ले जाकर पूजन स्थल में रखते हैं, क्योंकि ये मिट्टी शौर्य, स्वाभिमान, त्याग, स्वामी भक्ति की है। जी हाँ, आप भी एक बार वहाँ अवश्य पधारें। जय हिंद।